बाद से ना तेंदुए की आवाज़ आ रही है और भाई हम सबकी फटी पड़ी है इस टाइम। अब लोग ध्यान से सुनोगे तो हेलो जी, वेलकम बैक। तो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज के दिन हम लोग आए हैं फिर से नाइट कैंपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से आए नहीं थे। और अपने साथ विशाल और एक और बंदा है, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। बाकी अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और सामने की तरफ देखिए सनसेट। भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है अभी सनसेट का। कैंपिंग का यही है कि आपको सनसेट भी दिखेगा और मॉर्निंग के टाइम सनराइज़ भी दिखेगा। तो अभी ये कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है। तो जो हमारी कैंपिंग लोकेशन है वो यहाँ से थोड़ी ऊपर की तरफ है। अभी हम थोड़े नीचे की तरफ आ रखे थे क्योंकि आप लोग को सनसेट दिखाना था। अभी चलेंगे हम यहाँ से ऊपर की तरफ और ऊपर जाके हमारा कैंपिंग पॉइंट। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। बाकी मैंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए हम लोग सीधे चलते रहे। अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो भाई ये अपनी कैंपिंग लोकेशन और सामने अपना सामान, तो ये हम नीचे से लाए थे और ये अपनी लोकेशन भाई। बाकी उधर हो रहा है सनसेट, वहाँ नीचे गए थे हम लोग। और ये देखिए यहाँ से व्यू। और अभी हम लोग कर रहे हैं टेंट लगाने की तैयारी और विशाल लगाया आज टेंट। और यहाँ एक टावर भी बन गया है भाई, इसकी तार कट गई है, लाइट नहीं जल रही। इसमें लाइट जलती है वैसे टॉप में, तो विशाल बता रहा है कि इसकी तार कट गई है क्योंकि यहाँ नज़दीक में ही सामने की तरफ उस तरफ को एयरपोर्ट है, तो उसी के लिए बनाया गया है कोई प्लेन वेन वगैरह यहाँ लैंड ना कर ले। बाकी भाई अभी लगाते हैं हम लोग टेंट, फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो भाई अपना टेंट जो है वो लग चुका है और ये देखिए यहाँ से सामने की तरफ का व्यू कुछ ऐसा रहेगा। और ये है ट्रिप 11 वाले बंदे जीता, कुछ आज हार चुके हैं पता नहीं भाई। भाई एक दिन 2 करोड़ लगी जाए। बाकी यहाँ अपनी रहेगी बॉनफायर और वहाँ पर यहाँ चूल्हा बनाएंगे हम लोग, आग चलाएंगे यहाँ और उस पर अपना खाना वगैरह पकाएंगे यहाँ पे। और बाकी भाई लोकेशन तो आप लोग दिखा चुका हूँ मैं, तो ये रही यहाँ लोकेशन। और नीचे देखिए ये 4 लेन का काम चला हुआ है, यहाँ से ब्रिज बनेगा, वहाँ से ब्रिज बनेगा और यहाँ तक। तो फिर देखिए उस टाइम क्या मस्त वाला व्यू रहेगा। और आगे की तरफ वो 4 लेन का कंप्लीट ही हो चुका है काम, ये देखिए ये सारा 4 लेन का काम है। यहाँ से ये दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह के लिए जाएगा। और भाई अपना तीसरा साथी इतनी बड़ा हेलोजन लेके, अभी शक्ल दिखा, ये है गोलू भाई, मयंक भाई अपने आ चुके हैं फाइनली। यो और भाई अभी तक हमने ये देखे हमारा काम, इतनी सारी हमने लकड़ियां इकट्ठी की है और गोलू थोड़ी सी लाया। हाँ अब गोलू दोबारा से जाएगा और इतनी तू भी लाएगा अब। कौन सा ये सारा। बस बस अब दोबारा से तू दे, देख माँ देख, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। एक अकेले का है जी, अरे दो लोगों का है तो अभी थोड़ी सी नीचे और बची है तो लाएगा तू। आप एक पेड़ बचा है बस। हाँ ये देखो आप देख सकते हैं, ओह ये तो सेंसर बुला कर दिया जाए। तो भाई अभी अपनी हो चुकी है कुकिंग स्टार्ट। तो आज के अपने शेफ है विशाल, ये देखिए भाई तड़का लग चुका है, आग अच्छी जली हुई है और परे भाई बॉनफायर भी हमने जला दी है। बाकी भाई नाइट में व्यू देखिए आप लोग, कुछ करता है नहीं, घूमने आ जाता है। और अपना गोला भाई, और भाई लाइट भी जल रही है। अभी विशाल बोल रहा था कि इसकी तार टूट गई है पर शायद जोड़ दी है किसी ने आके।
नहीं कल भी नहीं चल रही थी। तो अभी हो रही है हमारी टिक्कियां फ्राई और आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। और यहाँ चली हुई है कटिंग प्याज और टमाटर और बाकी यहाँ पर है अपने टिक्कियां। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30 और 11 और बाहर से ना अभी तेंदुए की आवाज़ आ रही है। तो भाई हम सबकी फटी पड़ी है इस टाइम। आप लोग ध्यान से सुनोगे तो और इस टाइम हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और इसलिए रूम से बाहर से तेंदुए की आवाज़ आ रही है। तो भाई देखते हैं अब क्या करते हैं। नींद तो चले, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बड़ा हरामी हो बेटा। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग और टाइम हो रहा है सभी सुबह के 7। तो जो सनराइज़ है वो हो चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, हम लोग लेट हो गए थोड़े। बाकी भाई ये अभी देखिए आप लोग सुबह का व्यू यहाँ से, और जो सनराइज़ है भाई आजकल वो शायद 5 या 6 बजे हो जाता है, 6 बजे से पहले ही। तो 5 बजे के करीब हमारे को उठना चाहिए था, हमारे को इतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी भाई आप लोग व्यू देखिए। और अब हमारी यहाँ हो चुकी है पैकिंग शुरू। बोलू कर दी पैकिंग, ओके कंबल वगैरह पैक है, अब बस टेंट पैक करना है और फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर और भाई यहाँ देखिए यह है काफल का पेड़ और इसमें क्या लगे हुए काफल। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी काफल वाली, तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी वीडियो कैसी लगी वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।